रुद्रा कहाँ बा रुद्रा? बाहर गई बा, पर अब तक चिल्लात का है मैंने। चिल्लाई नहीं तो का करी? ना कटा कर दलस तोहार भाई जॉन कुलीन खानदान पे कहू उंगली उठावे की हिम्मत ना करत रहल ओ बे कीचड़ उछल के चल गेल केहू। अरे पर उ कइले का बा? सब पता बा तोरा के, तोहरे सा पाकिया जो इतना बिगड़ गेल बा कि सरेआम गांव के बहन बेटी के छेड़त बा। हमार भाई ऐसा कबो ना कर सकेला। वैसन कहले बा ओकरे वजह से आज मास्टर जी राह चलत हमरा के देख के साइकिल से उतर के हमरा के प्रणाम करत रहे। आज आज हमरे दुआरी पे आके हमरे मुंह पे थूक के गेल बा, वो हमरा के धमकी देले बा कि पंचायत में वो हमार कुलीन खानदान के तमाशा बना दी। उनका जरूर कोनो गलत फहमी भइल होखी। कोनो गलत फहमी नहीं भइल बा, वो अपन आंखी से रुद्रा और अपन बहन के एक साथ देखले हुए। रुद्रा उनके बहन के बहका रहल बा, ऐसा इल्जाम लगा के गेल बाड़न हो। देखी पहले आप शांत हो जाएं, आप जॉन भी सोचता नहीं असन नहीं बा। रुद्र मास्टर के बहन श्रद्धा के बहकावत नहीं है बल्कि ओकरा से सचमुच प्यार करेला, उस श्रद्धा से ब्याह कर चाहता। दिमाग खराब हो गेल बा तू दोनों भाई बहन के, ई ब्याह कबू ना होगी ना, ई ब्याह खातिर वो मास्टर तैयार होगी और ना हम जाए ओकरे दुआरे भीख मांगे। लेकिन एक बारी गईला पे बस बहुत हो गए, हम बिन माँ बाप के समझ के ओके सहारा देने के पढ़ लिख के वो आदमी बन जाए, बाकी वो हमरे इज्जत पूरे गांव में उछाले के तैयार हो गए। एक बात कान खोल के सुन ला और अपने भाई रुद्रा के भी समझा दिया, आज के बाद मास्टर के बहन के ही नहीं अगल बगल गांव के कोनो लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखे। अगर दोबारा होकर शिकायत हमारे पास आए तो वो दिन होकर ही घर में आखिरी दिन होगी। समझा दिया अपने भाई के? दीदी हम बहुत शर्मिंदा वाली, हमरा के माफ कहता, हमरे वजह से जीजा जी जे तरह से कबू ऊंची आवाज में बात भी ना कहलन, तोरा के डटलन पटकरलन उल्टा सीधा का कहते लन। रुद्र तू दुखी मत होगा, तार जीजा जी के गलती नहीं खे, वो तो मास्टर द्वारी पे आके उल्टा सीधा कही गई लस, इनका के अपमानित कर गई, यही से वो गुस्सा में बड़न। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए हम उनका के समझाए, वो तार रिश्ता के बात लेके ना ही दीदिया कौनो फायदा नहीं खे, जीजा जी ये रिश्ता खातिर कब्बो राजी ना हुई, तू उनकरा से ये बारे में बात मत करिया। हम नहीं चाहते कि हमरे वजह से जीजा जी फिर तारा से कुछ बोले, कुछ उल्टा सीधा सुनावे। अगर हम उनकरा से बात ना ही करब तो तहार और सदा के ब्याह के बात कैसे होगी? बात तो करें के पड़ी ना। दीदिया हम जाने ले कि तू हमार खुशी चाहे लो, पर हम अपना खुशी खातिर जीजा जी और तहरा बीच खटास नहीं ही पैदा कर सकत। हम श्रद्धा से बहुत प्यार करेले,
पता ना ओकरे बिना कैसे रह पाए, कैसे जी पाए। फिर भी दीदिया हम उसे कब्बू ना मिला, कब्बू ना। हमरे वजह से जीजाजी के कुलीन खानदान का इज्जत कब्बू ना जाए। रुद्र तू निराश मत होगा, सब ठीक हो जाएगी। हम कहानी ना हम फिर बात करब जीजा जी से। ना ही दीदिया, हम आपन बहन के आंख में आंसू देके आपन खुशी हासिल ना ही कर चाहत हूं। हमरा वजह से केहू दुखी ना रहे, केहू ना। हम भुला देव, हम भुला देव श्रद्धा के, हम ओकरा के याद ना ही रखब। पर दीदिया अगर हम ना ही भुला पैली तो हम जानबूझ के थोड़े ना प्यार कैले रहली, हो गए। अब तू ही बता कि मैं हमार कौन गलती पर। रुद्र तू ऐसे बच्चा लेखा करवा तो हमरा नीक ना लगे। तू शांत हो जा, इंसान के उम्मीद के दामन ना छोड़े के चाहिए। भगवान कौनो ना कौनो रास्ता जरूर निकली है। तू अब सुते जा, हमने के कल भोरे बात कर जाए। दीदिया हमरा के माफ कर दिया, हम ये दुनिया हमेशा खातिर छोड़ के जात। हमरा के केहू से कोनो शिकायत नहीं है। जीजा जी आपन जगह ठीक हूँ,
श्रद्धा के भैया आपन जगह ठीक हो, हम का करते, हम अपन प्यार के ना ही बुला सकत रहे। हम यू ना ही चाहत रहे कि हमरे प्यार के वजह से गांव में जीजा जी के रुसवाई होके। हमरे सामने दो रास्ता रहा, क्या तो हम भाग के श्रद्धा के संगे ब्याह कर लेती, या फिर ओकरा के धोखा देके दूसर ब्याह करती। और हम ये दोनों काम ना ही कर सकत रहली। यही से हमरा के ई फैसला लेवे खातिर मजबूर होके के पड़ल। दीदिया, हम जाने ले कि तू हमरा के बहुत प्यार करे, देख लिया हम अगला जन्म में भी तुहार भाई बन के आए। जीजा जी का ख्याल रखिया, उनकर आके कुछ मत कहिया, उनकर कौनो दोष नहीं के, दोष तो शायद हमार नसीब में बा, जन हमरा के इतना प्यार करे वाली दीदिया और जीजा जी के छोड़ के दुनिया से जाए के पड़ता। हमरा आपके माफ कर दिया, तहार बदनसीब भाई रुद्र नारायण। हमनी के रुद्र के बहुत ढूंढ ले जा, पर उका शरीर कहीं नहीं मिलल। हम समझ गए नी रुद्र सही में अपन जान दे देले बा। फिर हम ठान लेनी कि मास्टर मनोहर से अपन भाई के मौत के बदला लेके रह। जैसे वो हमार भाई के हमरे से जुदा कइले बा, हमहू ओकर बच्चा लोग के ओकरा से अलग कर दे। तो खुद बतावा, अगर हमरा जगह पे तू रहता तो का करता? हर बहिन पे आ चल बा तो मरे मारे पे उतारू हो गेला। हमरा तो इकलौता भाई खोए के पड़ल। तहार बाप हा प्यारा बा, कातिल बा हमर भाई के। सवाल हमरा से करे के बजाय जाके अपन बाप से करा। आज जौन भी तहार परिवार भुगत रहल बा, ओकर कारण सिर्फ और सिर्फ तहार बाप हमर। गलती के सजा हमार बच्चा लोग के मिल रहल बा। बेटा, हम ओकर गुनहगार हैं, वो सही कहत बिया। हमरा अंदेशा नहीं रहल कि तुहार बुआ और रूपा के भाई रुद्रा एक दूसरा से इतना ज्यादा प्यार करेलन कि एक दूसरा से जुदाई के गम में एक मौत के गले लगा ले और दूसरा पागल हो जाए। रुद्रा के आत्महत्या के खबर सुनकर तुहार बुआ अपन दिमागी संतुलन खो देलस। हम ओकर बहुत डॉक्टर के दिखौली, बहुत डॉक्टर के दिखौली, पर कोनो फायदा नहीं भइल। हम ओकरा के इहो कहली कि रुद्रा के शरीर नइखे मिलल, हो सकेला वो जिंदा होके, पर तुहार बुआ पे कोनो असर नहीं पड़ल, जिंदा लाश बन गए।
हम अपन गलती के माफी मांगे बाद में रूपा के घर भी गए ली, पर वो लोग सब बेच बाज के गांव छोड़ के चल गए रहे। हम पता करे के कोशिश कर ली पर कुछ ना पता चले। धीरे धीरे तू लोग बड़ हो गई ला, पर हम तोहार बुआ के ठीक होके के उम्मीद नहीं छोड़नी। हम ओकरा के ओकर पसंद के सामान हमेशा लाके देत रहली कि शायद वो सामान देख के ओकरा के कुछ याद आ। तोहार बुआ कबो न ठीक होगी, कबो न ठीक होगी। अब हम समझ गए नहीं कि पूजा के ब्याह में काहे नहीं हमारे सामने आवे के चाहत रहा।